हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवर स्टडी की हरियाणा जीके सुपर 30 की सीरीज में। भाई एक बात समझ लियो, पूरी वीडियो देखनी है सबने, अंत तक देखनी है। 30 क्वेश्चन करा पर डेली और सुपर 30 की तीसरी सीरीज है और एक के क्वेश्चन के साथ है। ये पूरे पूरे क्वेश्चन लगभग HSSC में आ चुके हैं और चारों के चारों ऑप्शन को इन डिटेल समझाऊंगा मैं। वर्ष 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना किसने करी थी? वर्ष 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना किसने करी थी? आपके सामने ऑप्शन है चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, छोटू राम और बाबू दयाल शर्मा। ये नाम आपने बहुत बार सुने होंगे हरियाणा जी के पढ़ते हुए, तो जल्दी से जल्दी इसका उत्तर बताइए। देखिए मैं ये कहता हूँ कि जो 30 में तो बालक 25+ ले गया तो उन्होंने समझ लिया उसकी हरियाणा पुलिस की तैयारी बहुत बढ़िया है। तो वर्ष 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना करी थी भाई चौधरी छोटू राम जी ने। चौधरी छोटू राम जी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, कब करी थी? 1924 में करी थी। और ये कहाँ, इनका जन्म कहाँ हुआ था? सांपला में। कहाँ? गढ़ी सांपला कहते हैं पाया सांपला, जिसका नाम आज का टाइम छोटू राम नगर रख दिया गया है। छोटू राम नगर रख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा भाई, किसानों के मसीहा थे ये। इस बात कर लेते हैं चौधरी देवीलाल जी की। चौधरी देवीलाल जी का संबंध सिरसा से था, इनको कौन नहीं जानता, ताऊ का नाम था फेमस हरियाणा में, ताऊ देवीलाल। चौधरी देवीलाल जी का संबंध सिरसा से था। ये क्या है, भारत के 1989 से लेकर 1991 तक के भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इनको किंग मेकर भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने, कहते हैं कि उस समय प्रधानमंत्री के पद को ठुकरा दिया था दोस्तों। चौधरी बंसीलाल को देखो, आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बाबू दयाल शर्मा, बाबू दयाल शर्मा सुन लो, ये कहाँ से है? ये डी ऑप्शन जो है वो रेवाड़ी से है दोस्तों। कहाँ से है? रेवाड़ी से। इन्होंने क्या मिला था? कांग्रेस की टिकट लेके हैं, पटौदी क्षेत्र में पंजाब विधानसभा के सदस्य भी चुने गए थे। पुराने टाइम की बात है जब पंजाब में आ गया अपना हरियाणा उस टाइम। आगे दोस्तों समझ में बात है, 1952 की बात है ये, कब की बात है? 1952 की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं देवी सजनों। भगत पूर्णमल का मेला गुरुग्राम के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? देखो गुरुग्राम का स्थान पूछा है तो गुरुग्राम का कौन से स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने ए है कासन, खोरी, इस्लामपुर और मुबारकपुर। बताओ, कासन, खोरी, इस्लामपुर और मुबारकपुर। देखिए आपके सामने जैसे आप देख रहे हैं कासन जो आप देख रहे हो, अपना उत्तर ये रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा? कासन। कासन में इसका उत्तर रहेगा राइट ऑप्शन आप सभी के सामने। कासन में लगता है दोस्तों मेला। खोरी में मेला लगता है अप्रैल मई में। कहाँ? अप्रैल मई के अंदर लगता है। और यहाँ एक शाह चोखा का नाम का फेमस मेला है, शाह चोखा का मेला। इस्लामपुर की बात करा, भादुआ का महीना में नौमी में गुग्गा पीर का मेला लगा है, गुग्गा नौमी का, गुग्गा नौमी भाई। मुबारकपुर, यहाँ मार्च का महीना में माता बुद्धो माता का मेला। कौन सी माता? बुद्धो माता का मेला, बुद्धो माता का मेला भाई लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कासन इसका उत्तर रहेगा। ख्वाजा खिजर खां का मकबरा जिसे इब्राहिम लोधी ने बनवाया किस नगर में स्थित है? ख्वाजा खिजर खां का मकबरा भाई आपके सामने ऑप्शन है नारनौल, सोनीपत, पानीपत और हिसार। मैं कहूँ कि पूरा वीडियो देखनी है। देखो ए बी इसका ऑप्शन रहेगा सोनीपत। क्या रहेगा दोस्तों? सोनीपत, खिजर खां का मकबरा। ये बात करते हैं नारनौल। नारनौल मक्के है इब्राहिम, इब्राहिम लोदी नहीं, इब्राहिम सूरी का मकबरा। इब्राहिम सूरी का मकबरा भाई, शेरशाह सूरी का दादा था यो। पानीपत, पानीपत मक्के है बू अली शाह कलंदर, बू अली शाह कलंदर की दरगाह। नेक्स्ट अगला जो है इसार। इसार में तो आपने पता है कि के है लाट की मस्जिद भी है, 40 हाफिज का मकबरा भी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस मेले में लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान अर्पण करते हैं? देखो ऑप्शन सूर्य ग्रहण का मेला, सूरज कुंड का मेला, बाबा मस्तनाथ का मेला और पेवा का मेला भाई। देखो बताओ, शाबाश।
तो देखो कुरुक्षेत्र जिले में एक शहर है पेवा, तो अपना उत्तर रहेगा यो। कुरुक्षेत्र जिले में पेवा एक स्थान है जहां अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां भी बहाई गई थी। हरियाणा की गया भी कहा जाता ही सही, हरियाणा का गया भी कहा जाता है। किसे? पेवा को। सूर्य ग्रहण का मेला तो अपना सबने पता है कि कुरुक्षेत्र में पूरे भारत में फेमस मेला लगा है भाई। सूर्य ग्रहण के दिन बाबा मस्तनाथ, यह मेला फरवरी मार्च में रोहतक जिले के अस्थल बोहर नामक स्थान पर लगता है। अस्थल बोहर नामक स्थान पर लगता है बाबा मस्तनाथ का मेला भाई। सूरज कुंड की बात कर लें, ये फरीदाबाद में लगा है, फरीदाबाद में लगता है, जिसमें भारत के शिल्पीकार और कलाकार लोग भाग लेते हैं। ये लगता है रोहतक भाई, ये लगा है भक्तों कुरुक्षेत्र में। मैं उम्मीद करता हूँ सारे भक्तों को और भक्तनियों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उदय भानु हंस की प्रिय विद्या कौन सी थी? आज का पांचवा क्वेश्चन, उदय भानु हंस की प्रिय कविता बताओ भाई। उदय भानु हंस की प्रिय कविता थी काव्य लेखन। के था भाई? काव्य लेखन। 1952 सॉरी 1926 में पंजाब में जन्म हुआ था इनका। हरियाणा के राज्य कवि थे, उसे रुबाई सम्राट के रूप में के हैं ये, लोकप्रिय थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान श्री कृष्ण, एक सेकंड क्वेश्चन छोड़ गए, हाँ छोड़ गए। पिंजौर में स्थित गार्डन का के नाम है भाई? पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम आप सबको पता है कि कौन सा गार्डन है पिंजौर में? यादवेंद्र गार्डन। कौन सा? इसका एक नाम और है भक्तों, इसने उत्तर भारत का नंदनवन भी कह दे हैं, उत्तर भारत का नंदनवन भी कह दे हैं इसने। ठीक है दोस्तों, एक कर्ण लेक गार्डन है। कर्ण, देखो बात सुनो, कर्ण झील कड़ा है करनाल में, इसका दो एक छोटा सा पार्क भी है। रोज गार्डन कड़ा है, तुमने सबने पता है रोज गार्डन है भाई चंडीगढ़ में। कहाँ है भक्तों? चंडीगढ़ में है भाई। सुल्तानपुर कड़ा है गुरुग्राम में। कहाँ है भक्तों? गुरुग्राम। अपना उत्तर के है, अपना उत्तर है यादवेंद्र गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर दिया था भाई? सबने बेरा है कड़ दिया था ज्योतिसर में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जिस पेड़ के नीचे आज भी सॉरी जिस पेड़ के नीचे के दिया था उपदेश दिया था गीता का, वो आज भी जीवित है। जाकर देख लियो, मैं फोटो खिंचवाया कह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, पानीपत का था, उन्होंने बताया कि पानीपत में तीन लड़ाई हुई थी फेमस। देवी तालाब का मंदिर भी होड़ा है, पांडु पिंडारा जींद निकल दें। कपिल स्थल था, हमने पता है सबने, सारे शाणे होता में। कैथल का प्राचीन नाम है भाई, कैथल का प्राचीन नाम के है कपिल स्थल है, कपिल स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सुजनो, कन्नौड़ का किला, कन्नौड़ का किला भाई महेंद्रगढ़ में। कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। ये बात करा नारनौल है, नारनौल की बताई थी मैंने, इब्राहिम सूरी का मकबरा है। इब्राहिम सूरी शेरशाह सूरी का दादा, इसका मकबरा है। हांसी पृथ्वीराज चौहान तृतीय का किला है भाई, हांसी में पृथ्वीराज चौहान का तृतीय का किला है। उरा तलवारों के तलवारों का किला भी कहा जाता है। रोहतक में महम का किला, महम चौबीसी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होया है भाई। छुड़ानी कड़ा है, पहली बात तो वगैरह होना चाहिए। ये छुड़ानी जो धाम है, यो कहाँ है? एक सेकंड, कहाँ है यो? यो है झज्जर में, कड़ह है झज्जर में है। और इसका संबंध किस तरह है छुड़ानी का? गरीबदास जी से, संत गरीबदास। डी इज द राइट आंसर भक्तों, डी क्या है? इसका परम सत्य उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साहिबी नदी खालिस्तान में हरियाणा में प्रवेश करती है। साहिबी नदी कहाँ प्रवेश करती है? रेवाड़ी से। कहाँ? रेवाड़ी से साहिबी नदी प्रवेश करती है भाई। सिरसा के किधर सुन लियो, गग्गर नदी, गग्गर नदी इस जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है, यहाँ से निकल जाती है। जींद में कोई नदी को नहीं बहती। सोनीपत में के बहाव है? सोनीपत में खपीटर बहाव है भाई। सोनीपत में सिर्फ एक यमुना बहती है, यमुना यमुना नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ है? गुरुद्वारा नीम साहिब है भाई डी उत्तर, कैथल। गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल में है भक्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देख लो एक बार। रोहतक में भक्तों, में फलो में बैजू हूँ। रोहतक में देखो लाखन माजरा, गुरुद्वारा बंगला साहिब ये है भाई। पानीपत में हाली की दरगाह, सोनीपत में गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा भाई। कैथल अपना उत्तर होगा। 1526 में किसके और किसके बीच लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। दूसरी किसकी हुई थी? अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य। तीसरी हुई थी मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भक्त भारती, सत्याग्रही, प्रहलाद, मीरा, मतवाली और सतसही की खालिस्तान की काव्यात्मक कृतियां हैं। भक्त भारती, सत्याग्रही, प्रहलाद, मीरा मतवाली और सतसही किसकी काव्यात्मक कृतियां हैं? तो अपना उत्तर होगा तुलसीदास शर्मा, तुलसीदास शर्मा अपना उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ स्थित किया गया है? देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र अपना उत्तर रहेगा बी यानी कि पानीपत हरियाणा। देश का पहला किसकी मदद है? जापान व किस कौन? ताइवान। जापान और ताइवान की मदद से 2013 में, 29 नवंबर 2013 में देश में पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ? अपने पानीपत में भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं देवी सजनों। लाल जंगली मुर्गों और गिद्ध प्रजनन केंद्र है, लाल जंगली मुर्गा और गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ है भक्तों? देखो ऑप्शन है कैरू, भिवानी, पिपली, कुरुक्षेत्र, हिसार, पंचकुला। तो अपना उत्तर होगा डी पंचकुला में। गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र रेड फाउल प्रजनन केंद्र कड़ा है रे पंचकुला में है भाई। कैरूम के है, कैरूम है चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? कैरूम है। पीपली में के है, पीपली में तुमने सबने पता है काला तित्तर राज्य हो गए, काला तित्तर प्रजनन केंद्र। इस आर में तो बहुत कुछ है, केंद्रीय भेड़ सूअर अश्व प्रजनन केंद्र कहाँ हैं? अभैंस भी, तो ये कहाँ है ये हिसार में? अपना उत्तर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के एकमात्र परम चक्र विजेता, इनका नाम भाई बच्चा बच्चा की जबान पर होना चाहिए, मेजर होशियार सिंह कहाँ से थे? सोनीपत, सिसाना गांव सोनीपत से थे भाई मेजर होशियार सिंह, हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का राज्य पक्षी कौन है? हरियाणा का राज्य पक्षी इबिद बताई थी 2 मिनट पहले, ब्लैक फ्रैंकलिन है भाई, समझ गए होगे भक्तों, काला तितर ब्लैक फ्रैंकलिन। मोर के है मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, राजकीय पुष्प के है, हरियाणा का राजकीय पुष्प कमल है। इब्नू नौजीम बीजेपी ने करे है ना। पशु तो तुमने पता है काला हिरण, पशु के है काला हिरण, सॉरी हिरण नो आऊगा फीलिंग ले लेंगे कई नो को नहीं समझ रहे काढ़ा के चाह रहे हैं सर। राजकीय वृक्ष के है पीपल, फीलिंग ना लिया करो नहीं। अगला क्वेश्चन है हुड्डा, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बी भाई, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका प्राचीन नाम है, ये नया नाम यू है HSVP, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण इसका नया नाम है, पहले HUDA पूछा जा कर दा, इब खट्टर सरकार का हुड्डा सरकार रड़क है भाई, इसलिए इनका नाम बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा वर्ष 2017 को किस वर्ष में मनाया गया था?
देखो ऑप्शन है बाल कल्याण वर्ष, महिला कल्याण वर्ष, पशु कल्याण वर्ष, गरीब कल्याण वर्ष। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 2017 की बात जब भी आओ तो गरीबों का कल्याण कराया था मनोहर लाल खट्टर साहब जी ने। तो ये जो बाल कल्याण आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये 2006 में मनाया गया था बाल कल्याण वर्ष, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में मनाया गया था। चंडीगढ़ का वास्तुकार ऐं खमीज के ली कार्बुजियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक किस जैन विद्वान के परामर्श लेते और सम्मान देते थे? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश तो हमने पढ़ावांगे, दिल्ली सल्तनत पढ़ाऊंगा जब, किस जैन विद्वान के परामर्श लेते हैं और सम्मान देते थे बताओ। देखिए ऑप्शन है जीन प्रभासुरी, महेंद्र सूरी, हेमचंद्र सूरी, कुंड आचार्य। तो भक्तों आपके उत्तर के मैं जो प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तो भाई अपना उत्तर होगा ए, जीन प्रभासुरी। अपने अपने मैच कर दे रही हो भाई, जीन प्रभासुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हरियाणा में पैदा होने वाली, हरियाणा में पैदा होने वाली तीन प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? सबने मेरा होना चीन बातों का, तो आपने सबने बताया कि धान, गन्ना और कपास। सारे कमेंट करके उन्होंने बताया दिया धान कड़ा फेमस है, गन्ना कड़ा और कपास कड़ा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में कितने सदस्य हैं? हरियाणा विधानसभा में भाई 90 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं भक्तों? 90 सदस्य हैं। जब आप अन्यारे हुए थे पंजाब तो 66 में, 1967 में 54 सीट थी, फिर 1977 में 81 सीट कर दी, फिर 1977 के बाद इनको लॉन्च कराया गया कि 2026 तक 90 सीटें हो जाएंगी। कितनी सीटें हो जाएंगी? 90 सीटें हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आधार कार्ड का प्रबंधन करने वाले यूनिट आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डाटा सेंटर हरियाणा के किस शहर में है? हरियाणा के कौन से शहर में है? मानेसर में है भाई, मानेसर हरियाणा गुड़गांव में है। कहाँ स्थित है मानेसर? UIDAI का। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, खालिस्तान का मकबरा जो दक्षिण एशिया में प्रथम महिला स्मारक है, कैथल हरियाणा में। देखो भाई रजिया सुल्तान, कौन सी सुल्तान है? रजिया सुल्तान 1236 में यह बैठी थी कहाँ गद्दी पे, 1240 में मार दी थी भाई डकुओं द्वारा, इसकी कैथल में हत्या कर दी गई थी। आया समझ में भक्तों? एक रानी पद्मावती है, इस पर एक फिल्म भी बनी थी पद्मावत, इसने जौहर कर लिया था भाई 1611 में, सॉरी 1611 नहीं, इसने जौहर कर लिया था भाई चित्तौड़गढ़ का किला में। नूरजहाँ, जहांगीर ने शादी करी थी नूरजहाँ से 1611 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में हरियाणा राज्य में कौन से नंबर पर है? देखो जान तो समझो मेरी बात, एक जन और एक अक्षेत्र दो शब्द लिख दो तुम्हें, फिर लिखो आप 18-20। तो जनसंख्या 18वें नंबर पर है हरियाणा, सी उत्तर रहेगा इसका। जनसंख्या में कौन सा नंबर पर हरियाणा? 18वें नंबर पर है। अक्षेत्रफल में पहले 20 था, 21वां हो गया है भाई, चेंज होते रहे आंकड़े। आगे चलते हैं दोस्तों, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन देखो 3 बार लग गया है, कौन कौन से 3 बार लग गया है? पहली बार 67 में, फिर 77 में, फिर 91 में। तो इवन में तो पहली बार पूछा है तो 1967 भाई। प्रीतम रानी सिवाच निम्नलिखित में से किस खेल के साथ संबंधित है? प्रीतम रानी सिवाच भाई किसके अलग संबंधित है? ओकी। क्रिकेटर में कौन कौन है? कपिल देव, कपिल देव, सहवाग, चहल, युजवेंद्र चहल। मुक्केबाजी में विजेंद्र सिंह भाई, विजेंद्र सिंह, अखिल कुमार। बैडमिंटन में अपना हरियाणा में कौन फेमस है? साइना नेहवाल। इसके पिता वैसे तो ये हैदराबाद से है, इसके पिता की पोस्टिंग उस समय हिसार में थी, तो जब ये ओलंपिक में मेडल जीत के आई थी तब इसके तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसको इनाम दिया था हरियाणा के मान के। 2000 में अश्विनी चौधरी ने एक हरियाणवी फिल्म खालिस्तान हेतु राष्ट्रीय पुरस्कारों में एक निदेशक पहली फिल्म की श्रेणी में सर्वोत्तम फिल्म हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार किसने जीता था? 2000 में अश्विनी चौधरी ने हरियाणा की फिल्म थी भाई लाडो, कौन सी फिल्म थी? लाडो थी भाई। ये बात कर ले हरियाणा की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? धरती थी। कौन सी थी? धरती, 1968 में आई थी। बोलो सफल फिल्म पूछे तो
सफल फिल्म पहली हरियाणा की वह थी भाई बहू रानी। बहू रानी, किसी की बहू का नाम है रानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहिबी नदी वैदिक काल में क्या क्या कहलाती थी? साहिबी नदी वैदिक काल में, वैदिक काल में साहिबी नदी को दृशदवती नदी कहा जाता था। कौन सी नदी कहा जाता था? दृशदवती। मैं उम्मीद करूंगा कि तारा सारे का यह सेशन पसंद आया होगा। अपने अपने नंबर कमेंट में कर दियो कितने नंबर तारा आए हैं, और कम से कम भी 10 10 बंदे तो रहा शेयर कर दियो। यहाँ तक वीडियो देखने खातर धन्यवाद।